नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आपके साथ बात करने वाली ओसिमम सेक्टम क्यू मेडिसिन के बारे में। मैं बताऊंगी कि इस मेडिसिन को किस किस बीमारी में यूज किया जाता है। ओसिमम सेक्टम इट मीन्स तुलसी। तुलसी हमारे घरों में पाई जाती है, सदियों से इसका उपयोग हमारे घरों में भी किया जाता है। तुलसी का उपयोग चाय वगैरह में भी करते हैं। यदि किसी को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम होता है और हमारे घरों में जो काढ़ा वगैरह बनाया जाता है, गुड़ का काढ़ा वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी तुलसी मेडिसिन का यूज करते हैं। और बहुत सारे लोग सुबह से उठकर तुलसी को चबाकर भी खाते हैं। तुलसी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन ए भी पाया जाता है। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और एंटी फंगल, एंटी बैक्टेरियल और एंटी वायरस इन्फेक्शन से हमको बचाने का काम करती है। साथ ही साथ इस मेडिसिन का जो एक्शन है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत ही अच्छा है। तो जिससे जो निमोनिया की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम होना, रिकरेंट कफ कोल्ड की प्रॉब्लम, बुखार होना, वायरल इन्फेक्शन वगैरह से भी ये हमको प्रोटेक्ट करती है। साथ ही साथ जो रेड आईज की प्रॉब्लम हो गई, कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो, तो वहां पर भी तुलसी, ये जो ओसिमम सेक्टम है, काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। गले में कंजेशन होना, दर्द की प्रॉब्लम होता है, वहां पर भी तुलसी मेडिसिन काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। जो तुलसी मेडिसिन है, इससे प्लेटलेट काउंट भी इंक्रीज होता है, साथ ही साथ WBC काउंट भी इंक्रीज होता है। ये काफी इफेक्टिव है। ये हमारे डाइजेशन को भी इंप्रूव करती है। यदि डाइजेशन की बात करें तो जिन लोगों को गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर भी ओसिमम सेक्टम काफी अच्छी मेडिसिन। ये हमारी भूख को भी बढ़ाती है और साथ ही साथ जो लोग फैटी वगैरह होते हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, तो ये हमारे डाइजेशन के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है और वजन को बढ़ने नहीं देती है और खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करती है। जिन लोगों को लीवर वीक होता है, तो वहां पर भी ये लीवर को स्ट्रांग बनाती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करती है। जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम होती है, वहां पर भी हम तुलसी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ये मेंटल रिलैक्सेशन, टेंशन, स्ट्रेस, नींद नहीं आना, ऐसी कंडीशन में भी काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि माउथ की बात करें तो जिन लोगों को पायरिया की प्रॉब्लम होती है, गम्स ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, मुंह से बदबू आती है, तो ऐसी कंडीशन में आप तुलसी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो ये ओसिमम सेक्टम मेडिसिन जो है, इसे ब्लड डिसऑर्डर्स, एंटी फंगल, एंटी वायरस डिसीजेस में यूज किया जाता है। ये काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि इस मेडिसिन को लेने की बात करें तो इसे क्यू पोटेंसी में लिया जाता है और इसे आप एक कप गुनगुने पानी में 20-20 ड्रॉप सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले लें। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू।